बात महाराष्ट्र चुनाव की, बीजेपी उम्मीदवारों पर नजर रखी जा रही, उनकी गाड़ी कहां आती है, कहां जाती है, बीजेपी वॉर रूम को पूरी खबर होती है। सवाल यह है कि कौन रख रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों पर नजर। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पच्चीस साल बाद महाराष्ट्र के चुनावी समर में अमित शाह की सेना अकेले दांव आजमा रही है। शायद इसीलिए सेनापति ने तय किया है कि जीत के लिए कुछ भी करेगा। जंग में उतरे जवानों की जासूसी भी। बीजेपी के सारे उम्मीदवारों पर सेनापति यानी अमित शाह की कड़ी नजर है, उम्मीदवारों के पल पल का हिसाब रख रहे हैं। हमारे जो प्रचार रथ होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ पे से कैसा रिपोर्टर है, उसको कहाँ और हम चेंज करना चाहते हैं, इस विषय को लेकर जो हम प्रचार रथ कर रहे हैं उसके ऊपर हमने जीपीएस लगाया। उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए बीजेपी जीपीएस तकनीक का सहारा ले रही है। प्रचार के लिए घूम रही गाड़ियों में पार्टी ने जीपीएस लगा दिया है ताकि ये पता चल सके कि कौन कहां जा रहा है और कौन कितने घंटे अपने इलाके में प्रचार कर रहा है। जीपीएस लगी गाड़ियां कहीं भी आती जाती हैं, बीजेपी के वॉर रूम को फौरन पता चल जाता है। सूत्रों के मुताबिक हर एक विधानसभा इलाके की 5 गाड़ियों में जीपीएस लगाए गए हैं। मतलब ये कि 288 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1440 गाड़ियों में जीपीएस लगाए गए हैं। इनमें उम्मीदवारों की गाड़ियों से लेकर संगठन तक की गाड़ियां शामिल हैं। हर गाड़ी के मूवमेंट को 24 घंटे बीजेपी के वॉर रूम में ट्रैक किया जा रहा है। हालांकि पार्टी सफाई दे रही है कि सिर्फ बीजेपी के 120 प्रचार वाहनों में जीपीएस लगाए गए हैं। ये प्रचार के गाड़ियों के ऊपर जो लगाया जाता है वो ये टेक्नोलॉजी आई है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने इलेक्शन मैनेजमेंट को इफिशियंट बनाने के लिए किया जाता है और वो तो करना चाहिए। मतलब ये कि उम्मीदवार या प्रचार वाहन कहां आते जाते हैं और कितनी देर अपने इलाके में होते हैं, इन सब की जानकारी बीजेपी के वॉर रूम में बैठे लोगों को होती है और फिर सेनापति तक पहुंच जाती है। प्रचार वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगा है, वो कई सवाल खड़े करते हैं कि क्यों बीजेपी अपने उम्मीदवारों के ऊपर जीपीएस सिस्टम बिठा के रखी हुई है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। हालांकि अगर वाकई सिर्फ जानकारी के लिए है तो ये पार्टी का अंदरूनी मसला कहा जा सकता है, लेकिन अगर कुछ और है तो जाहिर है बाकी पार्टियों से प्रतिक्रियाएं आएंगी ही। कांग्रेस इसे फिलहाल तानाशाही बता रही है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की गाड़ियां घूम रही हैं और धुआंधार प्रचार कर रही हैं। जैसे ही इन गाड़ियों के पहिए घूमते हैं, पार्टी के वॉर रूम में लगे मॉनिटर की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और वहां बैठे कंट्रोलर को पता चल जाता है कि गाड़ियां किस दिशा में जा रही हैं। जब ये गाड़ियां खड़ी होती हैं तो कंट्रोलर ये पता कर लेता है कि वो जगह कौन सी है। इस तरह गाड़ियों के एक एक पल की जानकारी पार्टी के कंट्रोल रूम को होती है। छत्रपतिचा आशीर्वाद, चला देव मोदीना साथ, यही प्रचार गली गली होते हुए मुंबई और महाराष्ट्र में घूमते हुए आपको उम्मीदवार नजर आएंगे। इन उम्मीदवारों को ये पता नहीं है या फिर शायद पता है कि उनके इस प्रचार वाहन के अंदर जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी लीडर और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर 120 प्रचार वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। लेकिन सवाल ये कि नेताओं, उम्मीदवारों और प्रचार के लिए घूम रही गाड़ियों में क्यों लगाए गए हैं जीपीएस सिस्टम? उम्मीदवारों और नेताओं पर 24 घंटे क्यों रखी जा रही है नजर? ये सवाल जब बीजेपी के आला नेताओं से पूछे गए तो मासूमियत भरा जवाब आया। ये तो मुझे लगता है हमारे व्यवस्था वाले बताएंगे, ये जो हमारे रथ घूम रहे हैं उनको दिक्कत कभी कभी आती है तो उसके लिए होगा, बाकी कुछ लीडर्स भी ट्रैक नहीं। नहीं नहीं, सूत्र बताते हैं कि जीपीएस उम्मीदवारों और नेताओं की गाड़ियों में भी लगाए गए हैं, लेकिन पार्टी बार बार इसे आधारहीन बता रही है। कह रही है कि सिर्फ 120 प्रचार वाहनों पर नजर रखी जा रही है। We are being questioned on absolute baseless reports, GPS and cars. Will you please focus attention, whoever, not you, whoever, please focus your attention on the failure in the 15 years.
बीजेपी कुछ भी दलील दे, लेकिन विरोधी कहते हैं कि उम्मीदवारों की गाड़ियों में जीपीएस लगवाना, उन पर 24 घंटे नजर रखना तानाशाही है। उनको गाड़ियों के ऊपर जीपीएस नहीं लगाया उन्होंने, उन्होंने हर कार्यकर्ता और प्रभारी और उनके उम्मीदवारों के ऊपर लगाया। इसे तानाशाही कहा जाए या नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी बदल रही है, बदलाव के नए तरीके आजमा रही है। अक्सर खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों पर नजर रखते हैं, और अब तो पार्टी अध्यक्ष पदाधिकारियों और नेताओं पर भी नजर रख रहे हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक।